गाइस, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है नेटवा। ये कोई बच्चों का नेटवा नहीं है दोस्तों, ये एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही कमाल का है, इलीगल है। ये से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे किसी का भी नंबर डालते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, जो भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, किसी का भी नंबर यहाँ पे अगर आप डालते हैं तो पता चल जाएगा कि वो नंबर कब ऑनलाइन आता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो ऑफलाइन कब हो जाता है, ऑनलाइन कब आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की बात है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसका नंबर डालना है। ये तो बहुत सिंपल है, हम सलमान खान का भी नंबर डाल सकते हैं। तो हाँ यार, आप किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, आपको कोई सा भी कोड वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस नंबर डालना है, किसी का भी नंबर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको विश्वास नहीं है उस पर तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, बहुत ही फ़ायदा इससे है। और अगर आपके बच्चे हैं, आप एक माता पिता हैं, जो भी हैं, आपको अपने बच्चों का देखना है कि ऑनलाइन कब आ रहे हैं, रात को ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे नहीं, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप माँ बाप हैं या फिर आप बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, जो भी, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली एक नंबर डालना है जो कि आपके बच्चे का हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड का हो सकता है, सलमान खान का भी हो सकता है, मतलब जिसका भी डालना चाहें। तो यहाँ पे डाल देना है सिंपली, आपको सबसे पहले तो आपका कंट्री कोड नंबर लगा लेना है, जैसे कि इंडिया में हो तो +91, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नंबर लगा देना है, और अगर सऊदी में हो तो यहाँ पे +966 इसका कंट्री कोड है, सऊदी का कंट्री कोड। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो तो वहाँ का कंट्री कोड कुछ और है, आप नेट पे देख सकते हो या फिर आपको पता ही होगा ये चीज़। तो बहुत ही कमाल का ये एप्लीकेशन है, आपसे मतलब एक लाइक बनता है, ठीक है। आप एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो के लिए, और अभी बहुत सारे एप्लीकेशन बाकी हैं उनको भी देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक नंबर से ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको परचेस करना होगा। एक नंबर से ज़्यादा अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं किसी का नंबर, तो आपको यहाँ पे ख़रीदना होगा, पैसे देना पड़ेगा। तो यार एक से ही काम चलाओ, गर्लफ्रेंड कितनी होगी, एक ही होगी ना। और अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को बंद करना तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको रीनेम करना, एडिट करना, या फिर मतलब डिलीट करना चाहते हैं, आपको कुछ और नंबर डालना है, तो आपको सिंपली स्लाइड कर देना है, मतलब लेफ़्ट की साइड आपको स्लाइड करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप डिलीट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि ये एक मूवी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट मूवीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि जीरो हो गया, स्त्री हो गया, सिम्बा हो गया। तो यार क्या चाहिए आपको, इतनी जल्दी मतलब आपको ये मूवी यहाँ पे देखने को मिल जा रही, जो कि अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, कहीं पे नहीं है यूट्यूब पे। मैंने बहुत सर्च किया, वैसे शायद जीरो मूवी आ चुकी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल मूवीज़, हॉलीवुड, बॉलीवुड, डबड मूवीज़ हिंदी में जो डब होती हैं, तो इटालियन मूवीज़, टीवी शो, और भी यहाँ पे बहुत कुछ है दोस्तों। रुकिए, अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसमें एक और ख़ास बात है जो आपको नहीं पता होगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, वो क्या है बता दें। हाँ तो चलिए बता देते हैं, इसमें ख़ास बात एक और है कि आप इसको एमएक्स प्लेयर से प्ले कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कोई सा भी मूवी को प्ले करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्ले कर लिया है, और प्ले करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, 360, 720p, और यहाँ पे देख सकते हैं चेंज प्लेयर, ठीक है, लास्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है चेंज प्लेयर, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर। दोस्तों इसके लिए आपको एमएक्स प्लेयर पहले से डाउनलोड कर लेना है, वो तो सभी के पास होता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, 360p में आपको मिल जाता है, 720p में भी मिल जाता है, और काफ़ी कमाल का यार। और क्या चाहिए आपको, मतलब यूट्यूब पे सर्च करते हैं लोग, परेशान होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी फेक वीडियोस होती है वहाँ पे, नहीं मिलती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों हॉलीवुड की बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब जो फिल्में होती हैं वो हिंदी में डब होती हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी हिंदी भाषा में, तो काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पे आप फेवरेट ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई मूवी पसंद आती है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ देखें और बाद में देखना चाहते हैं, तो फिर आप उसको फेवरेट में ऐड कर लीजिए, और फिर आप बाद में भी देख पाएंगे वो मूवी। कुछ वीडियोस देख लीजिए, फिर मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो देख सकते हैं ये हमारा फेस जो यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी मतलब कॉमेडी से थोड़ा सा आ जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन है ना, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं जिसमें आप अपने फेस को ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा मज़ा कर सकते हैं, अपने दोस्तों को
शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्रिकेटर बन गया हूँ और काफ़ी फनी लग रहा है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही फनी लग रहा है। और आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, आपको अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या फिर जो भी लिखना चाहें। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मिल जाती हैं, फनी वीडियोस मिल जाती हैं। और आपको फेस अगर लगाना है अपना तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो फेस है तो यहाँ से आप जाके फेस को लगा सकते हैं। फेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और ये जो आप देख रहे हैं सेलेब्स, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे यानी हीरो वगैरह मिलेंगे ये सब। और यहाँ पे देख सकते हैं यार, देखो मैं वीडियो को कैसे शूट कर रहा हूँ, मतलब कमाल है यार, कहीं पे भी बैठ के शूट कर लो, टाइम नहीं रहता यार, क्या करूँ। इसी बात पे लाइक ज़रूर करना यार, लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, उसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको आंसर देना है तो दे सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका फेस जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और आप देख लीजिए इसको कैसे हो जाता है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है उस चीज़ को आप एक बार और देख लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, ये वॉलपेपर का एप्लीकेशन है, और इतना कमाल का ये लुक दे रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद आपको वीडियो में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये जो रियल में है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही कमाल का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप लड़के हैं तो भी इसको लगा सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपका फ़ोन जो है ना, बहुत ही प्यारा लगेगा, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, जो आपके मोबाइल का लुक ना बदल के रख देगा। और अगर देखने वाले आपके मोबाइल को देख रहे हैं ना, तो वो भी शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, इतना प्यारा क्यों लग रहा है। एक तो इसका जो नॉच होता है उसकी वजह से ये और प्यारा लगता है, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का ये एप्लीकेशन है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर फ्रीज करने का भी ऑप्शन मिला है, मतलब यहाँ पर जो बर्फीला टाइप का होता है कॉर्नर पर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं, मेरे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, बस इतना कहना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। और ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, वो कुछ अलग टाइप का है, ये मतलब बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही काफ़ी कमाल का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, वाव जंप कर रहा है, देख सकते हैं ये जंप कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये रियल में है, ठीक है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी वीडियोस को भी शूट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ये बस बच्चों के लिए है, आप इसके साथ मतलब थोड़ी फ़नी वे में, फ़नी तरीके से वीडियो बना सकते हैं, जो यूट्यूब पर आप डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एक ही तरह का नहीं मिलता है, आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे डॉगीज़ वगैरह भी यहाँ देख सकते हैं, ये कुत्ता नाच रहा है ऐसे ऐसे, बस नाच रहा है हल्का फुल्का, और काफ़ी प्यारा कुत्ता लग रहा है। वैसे तो मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं, जो भी आपको पसंद है तो फिर आप इसको वीडियो बना सकते हैं इसके साथ में। तो बस यही था आप सभी को बताना। और देख सकते हैं कुत्ता डांस कर रहा है, और अगर आपको वीडियो शूट करना है तो उस पर क्लिक कर देना है, और बगल में उसके जो है वो आइकन दिख रहा है फ़ोटो का, आप उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सो बस यही था आप सभी को बताना, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है ना, बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत मेहनत करने वाला हूँ उस वीडियो पर, और इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो बस अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।